friends. How are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn UKG class EVS good habits. Good habits means अच्छा आदत. अपन आदत अच्छा होना चाहिए सबको पसंद होने के लिए. सबसे पहले one I get up early every day. I get up early every day. इसका मीन्स है मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ. जो उठती हूँ जी जी गेट यू पी अप ए आर एल वाई एर्ली एर्ली मीन्स जल्दी ई वी ई आर वाई ई ए वाई एवरी डे. एवरी डे मीन्स रोज. मैं रोज जल्दी उठता हूँ. समझ में आया? मैं जल्दी कैसे हम कब उठ रहे हैं? सुबह सुबह उठ रहे हैं. कितने बजे? सुबह सुबह 8 बजे क्या? नहीं, सुबह सुबह 6 बजे उठना है बच्चे. उठ के अपना पढ़ाई करनी है. आई गेट अप एर्ली एवरी डे. हम सुबह सुबह उठ के अपना काम करना चाहिए. उठने के बाद क्या करेंगे? आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस ए डे. बी आर यू सेट ब्रश. ब्रश मीन्स जो हम ब्रश करते हैं दांत को. एम वाई माई मेरा. टी डब्ल्यू जी एच टी टी मीन्स दांत. टी डब्ल्यू आई सी ई ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स दो बार. एक एक दिन में कितना बार ब्रश करना है? कितना बार करना है? टू टाइम्स. ट्वाइस. ट्वाइस मीन्स टू टाइम्स, दो बार. आई ब्रश माय टीथ ट्वाइस इन डे. मैं रोज दो बार ब्रश करूं. कब? एक सुबह उठने के बाद. दूसरा कब करना है? रात में सोने से पहले. जब अपना खाना खाने के बाद, डिनर के बाद, दूध भी पीने के बाद सोने के लिए जाते हैं, उससे पहले ब्रश करें. ब्रश करने के बाद कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि जो हम खाते हैं वो खाने का छोटा थोड़ा छोटा छोटा पीस दांत के बीच में रुक जाते हैं. हम ब्रश करेंगे तो ये निकल जाते हैं, नहीं तो वहाँ नहीं. जब हम सोते हैं तब ये खाने का जो पीस वहाँ भर के और गंदगी बन जाती है, फिर कीड़ा आ जाएगा उसमें. इसलिए ऐसे दांत में दर्द हो जाते हैं, कीड़ा पड़ जाता है, काला होता है, कहीं बच्चों का दांत. इसीलिए ब्रश नहीं करते इसलिए. ओके. आई ब्रश माय टीथ ट्वाइस इन डे. मैं दो बार रोज ब्रश करती हूँ. आई कट माय नेल्स ऑफन. रोज अपना नेल्स को चेक करते हैं क्लास में. हाँ, अभी भी करना है. घर पे है तो भी ये रोटी में आना चाहिए नेल्स. हर संडे को अपना नेल्स करना है. आई सी यू टी कट एम वाई माई एन आई एल एस नेल्स ओ एफ टी बी एल ऑफ. मैं कभी कभी मेरा ब्रश सॉरी नेल्स में काटती हूँ. हर संडे को नेल्स कटवाना मम्मी से, तब हाथ साफ है. नेक्स्ट है आई टेक ए बाथ एवरी मॉर्निंग. फिर सुबह सुबह आप क्या करना है? उठना है, ब्रश करना है, और टॉयलेट करना है, लैट्रिन करना है, इसके बाद नहाना है. टेक ए बाथ. बाथ दिए जिस बाद नहाना. रोज नहाते हैं क्या? स्कूल नहीं है तो फिर भी हम नहाते हैं. स्कूल में जाने के लिए नहाते? नहीं, ऐसा नहीं. रोज हम नहाने हैं, नहाने के लिए छुट्टी है. एंड एवरी इवनिंग मॉर्निंग विद इवनिंग. शाम को भी हम खेलने के बाद गंदगी हो जाते हैं, पसीना हो जाते हैं अपने शरीर में. हाँ, हम नहाना चाहिए. एंड आई वेयर क्लीन क्लोथ्स. नहाने के बाद कौन सा कपड़ा पहनना है? वो गंदा कपड़ा पहनेंगे? नहीं, तब और गंदगी आ जाएगा अपने शरीर में. इसलिए डब्ल्यू ई ए आर वेयर सी ए ई आई एन क्लीन C-L-O-T-H-S, clothes. I wear clean clothes. मैं साफ कपड़ा पहनती हूँ.
ये है इसका मुखी। इसके बाद अपना गुड हैबिट्स में क्या क्या आएगा और भी कुछ अपना गुड हैबिट्स, ये सारे हम लर्न करना है। और आई यूज ए नैपकिन व्हेन आई ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तब हैंगी बिछाते हैं, हैंगी बिछा के इसके ऊपर टिफिन रखना फिर खाना ताकि टेबल गंदा नहीं हो, हमेशा ऐसे। फिर आई कवर माय माउथ व्हेन आई कफ एंड स्नीज, जब खांसी आ जाता है तो क्या करना है, तो हैंगी से मुंह को नाक को ऐसे ढकना चाहिए, ऐसे करके खांसी और छींक आ जाएगा। अभी तो बीमारी चलता है कोरोना, सबको पता है, इसमें बहुत ध्यान रखना है, खांसी छींक में हमेशा मुंह और नाक को कवर करके करना है, समझ में आया, क्योंकि बीमारी फैल जाएगा ना, नाक से मुंह से छोटा छोटा बूंद निकल के उसमें बीमारी का कीटाणु आ सकते हैं, इसलिए हम ऐसे करते हैं। आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम, हम वॉशरूम में जाने के बाद हर बार साबुन से अपने हाथ धोना चाहिए, इतना दम हम साफ सफाई रख रहे हैं। पेज नंबर 76-77 गुड हैबिट्स, पेज नंबर 76-77 रीड करना, एक एक करके याद करो, पहले छोटा छोटा याद करो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उसमें छोटा छोटा पहले याद कर लेना, एग्जाम में ये लिखने के लिए आएंगे विद्यार्थी, ओके, ये कॉपी में लिख लेना, इसमें से छोटा छोटा सबसे पहले याद करो, फिर जितना याद कर सकते हो उतना पूरा करेगा तो उतना बढ़िया, लेकिन कम से कम 3-4 याद करके रखना, ओके, थैंक यू।